हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाह बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स इन ए मीम्स फ्रॉम दी चैनल मीम किट। तो मीम किट के चैनल पे आज हम आ गए हैं बढ़िया से मीम्स देखने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनके पिछले वाले मीम वीडियो बहुत सही थे। एक्चुअल में इट वॉज वेरी नाइस। सो लेट अस सी टुडे हाउ मीम किट के मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। What nonsense is this? It's called the law of inertia. Really? नया बहाना मिला तुम लड़कों को चांस मारने के लिए? Excuse me? मैं फोन पे था, बस ने ब्रेक मारी है, लॉस्ट में कंट्रोल। लड़कियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? ए, ऐसे बात करते लेडी से? ए, तू फोकट में हीरो मत बन। ये देखो बाहों में समेट के घर पे नहीं लेके जाने वाली। हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है? आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको तो पता ही होगा भाई कि अभी मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। मतलब लिटरली मेरा दिमाग खराब हो रहा है और इतना दिमाग मेरा खराब हो रहा है कि मेरे को हंसी आ रहा है। हंस दे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि अभी के टाइम में ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि इतना कम व्यूज पर मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा इस चैनल को। लेकिन बस एक ही चीज का उम्मीद लिए इस चैनल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि आगे चल के अच्छे खासे व्यूज मेरे आने लगेंगे। आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं बस एक लाइक देकर और एक अच्छा सा कमेंट करके, और मन करे तो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तुम्हारी मर्जी है। सो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ व्हाइट साड़ी में? कोई भी चुड़ैल नहीं बोलेगा, समझे? चुड़ैल नहीं, विधवा लग रही है। कितनी सुंदर। मैं बहुत पतला हूँ, क्या करूँ? पहले तो जो करता है वो करना बंद कर दे। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? दिख रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ तो मैंने किया है क्या? मैं गिरा होया बंदा जमानी च बली है। और भाई, अरे गाड़ी में क्या घुस रहा है? चल बाहर निकल। डेट पे जा रहा हूँ मैं। डेट पे जा रहा है? जिसके साथ तू ऑनलाइन बात करता है ना, वो मेरी फेक आईडी है। समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए। भांग खा के आए हो क्या? भांग हम नहीं, भांग खाए हो तुम। अपनी खुशी अपने हाथ में होती है रिजवी। वो तो शादी से पहले होती है ना। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग। मैंने उसे उसको इतना देखा है। इतना देखा जितना देखा जा सकता था। नहीं ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा? सब बढ़िया चल रहा। आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? सोचे ना अंकल, आप जाएंगे तो मिक्सर बिस्कुट खाएंगे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। आंटी जी ने कहा सब्जी देते ना, कटोरी वापस दे क्या? आंटी जी, हेलो, कटोरी वापस देना है ना यार। डर मिल गया यार। हेलो, हाँ पापा। नहीं, अरे मैं भुप्पी के साथ हूँ, मैं उसी के काम से बाहर आया था। मैं झूठ थोड़, अब उसके साथ हूँ तो साथ में ही होगा ना, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा मैं। आ लो लो, कर लो बात, कर लो। क्या कर रही हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं पहने यार। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। लड़कियाँ ज्यादा खूबसूरत होती हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़के, लड़के। अभी मैं आपका मुंह धुलवाऊ ना, अभी मेरे गोटे की तरह आपका मुंह निकला है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं यार। पहले
सही बताओ, स्कूल में बाल कटवाने चाहिए नहीं कटवाने चाहिए? नहीं कटवाने चाहिए। और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बताओ? शकल देखिए हैंडसम, दिखाइए दांत, दिखाना दांत, दिखाना हैंडसम अपने। माय क्वेश्चन इज फॉर अभिषेक सर जी। सर आपके पापा अमिताभ बच्चन हैं और शाबाश, वेल डन, सही जवाब। हमें शो में आते हैं इसलिए नई नई बातें मालूम पड़ती हैं। अरे भाई अपना फोन देना, तो जेब के पास कॉल करना है। तेरे फोन को क्या हुआ? अरे मेरा फोन बंद है यार। अच्छा ये ले। अरे बहुत लॉयल है यार, अनजान नंबर से फोन भी नहीं उठाती है, बहुत नसीब से मिलती है ऐसी जी। उठा ली। हेलो, सॉरी सर, मैं संडे को सर्विस नहीं देती। ओके। जुनेस साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के थर्ड ईयर में पढ़ता हूं, मैंने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी कर लिया, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक लड़की तो डॉक्टर है और शादी के बाद जॉब भी करेगी, जबकि दूसरी लड़की घरेलू है, मशवरा दीजिए कि किससे करूं, अगर दीनदारी को तरजीह दूं तो दीनदारी के लिहाज से भी दोनों बराबर है, मशवरा ये कि दोनों से करें। ये समाज एक लड़की के आंसू गिरने पर दौड़ा चलाएगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको एडवाइस देगी, सिंपैथी देगी, चॉकलेट देगी, थेरेपिस्ट का नंबर देगी, लेकिन दूसरी तरफ लोंडे देते हैं बस एक घटिया एडवाइस। भाई हिला ले, थोड़ा बेटर फील होगा। हाँ। बेटा शिवम, यस सर, अगर ये सेब आपके सामने गिरा होता यस, तो आप क्या करते? तुरंत चाप लेते हैं। शेर अटकरो, दिल लगाया था दिल्ली चली गई, इश्क भी किया था पिंडी चली गई, सोचा खुदकुशी कर लूं, स्विच में हाथ दिया तो बिजली चली गई, बिजली चली गई तो पंखे से लटक जा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जितनी भी औरतें हमेशा खुश नजर आती है, क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई सास नहीं है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बली है, सीधो भी ओरा के सिरा पर नहीं रे, इतना भी सच नहीं बोलना था। देखा दोस्त, तू जितना जल्दी हो सके मलखान के साया से भी दूर हो जा। सारे लाल जी और पवन ना, तो अगर फंस गई ना तो निकले के रास्ता तक ना मिली। जे पॉइंट से आवेला वो पॉइंट में पेशाब करे खातिर रास्ता भी बनावेला। दुनिया में सात अजूबे हैं, तुम मुझे कौन सा अजूबा दिखाओगे? बोलो ना, बोलो। तू घर आ जा, दुनिया का नौवां अजूबा भी दिखाता हूँ। तू समझा? नहीं भाई, अरे क्या देखना पड़ रहा है, ये क्या देखना पड़ रहा है मेरे को भाई साहब, दिस इज नॉट इवन, आई एम सीरियस अबाउट दैट, यू मैं यार खतरनाक यार, मीम किट क्या है ये, व्हाट इज दिस, कहां से ढूंढ के ला रहे हो तुम ये सारे मीम्स? आई डोंट नो, बट I don't have words to express by ये, क्या देखा मैंने अभी, oh my यार, मिलके देखिए, so yeah, that is it for today, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू, थैंक यू।